हेलो गाइस, वर्षा, वेलकम बैक टू अच्छा। तो गाइस, क्या आप भी गूगल मैप में स्ट्रीट व्यू देखना चाहते हो? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं अभी स्ट्रीट व्यू देख रहा हूँ गूगल मैप में। तो आप ये स्ट्रीट व्यू जो आप कैसे देख सकते हो, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रीट का व्यू आ रखा है, लाइव लोकेशन अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ। भाई क्या घर है यहाँ पे। तो भाई ये आप कैसे देख सकते हो और कौन कौन सी लोकेशन पे आप देख सकते हो अपने गांव, घर, शहर, तो आपको मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके लिए आप लोग चाहिए गूगल मैप का ऐप। जो हमारा गूगल मैप का ऐप होता है ना, सबके फ़ोन में होता है तो उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल मैप का ऐप होना चाहिए, और जो गूगल मैप का ऐप होता है ना, वहाँ पे एकदम अपडेटेड होना चाहिए। एंड सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आप हर जगह नहीं देख सकते, कुछ शहरों में देख सकते हो, ठीक है। हर शहर का नहीं दिखाएगा, कुछ जो शहर होते हैं दिल्ली, मतलब इंडिया में जितने शहर है ना, वो देखते हैं। अब इसको आपको देखना कैसे कि आपके शहर में है नहीं है, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को जाना है अपने गूगल मैप के अंदर। गूगल मैप के अंदर जाने के बाद आपको जिस भी लोकेशन की देखनी है वहाँ पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, दिल्ली के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो बट उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है, ये जो ऐप है वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे सर्च करना है गूगल मैप। गूगल मैप सर्च करोगे ना तो आप लोगों को गूगल मैप, ये गूगल मैप, इसको देख लेंगे एकदम अपडेटेड है कि नहीं। मेरा एकदम अपडेटेड वजह पर थोड़ा सा और रह रहा है, मतलब उतना कुछ खास नहीं हो कोई दूसरा उसके लिए, ठीक है। तो मतलब गूगल मैप मेरा अपडेटेड है, अपडेटेड मैप होना चाहिए गूगल, एकदम अपडेट करें ना प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद आप लोगों को जाना है जिस भी लोकेशन की आप लोगों को देखना है कि कौन से लोकेशन की आपको यहाँ पे जो मैप है वो देखना है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। मेरे को तो आप लोगों को दिखाना है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं इस एरिया की देखता हूँ, जो भी एरिया है ये, ठीक है। इस एरिया के आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को मतलब गूगल मैप को मेरे को देखना स्ट्रीट व्यू कैसे करना है। तो स्ट्रीट व्यू ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ये वाली चीज़ ऊपर वाली में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रीट व्यू। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे स्ट्रीट व्यू को देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे जो स्ट्रीट व्यू है, अब यहाँ पे लाइन लाइन आ गई है, जितने भी ये ब्लू कलर की लाइन है ना, यहाँ पे आप लोग स्ट्रीट व्यू देख सकते हो। एंड जिस एरिया में, जैसे कि जितने भी जगह ब्लू कलर की लाइन है वहाँ पे आप स्ट्रीट व्यू देख सकते हो, और जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन नहीं है ना वहाँ पे आप स्ट्रीट व्यू नहीं देख सकते। तो ऐसा ही आपके हो सकता है आपके गाँव में, या जिस जगह आप रहते हो वहाँ का लोकेशन आ जाए। तो स्ट्रीट व्यू देखने के लिए सिंपली आपको जो भी ब्लू वाली लाइन होगी उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो स्ट्रीट का व्यू है यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रीट का व्यू है यहाँ पे आ चुका है, साथ में सामने बस चल रही है। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लोकेशन होती है लाइव नहीं होती, रिकॉर्डेड होती है। मतलब कुछ महीने पहले यहाँ पे जो गूगल का जो एक मैप वो कैमरा होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना।